अगर आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है या फिर कहीं गिर जाता है तो गूगल का एक एप्लीकेशन आपके काफ़ी काम आ सकता है। इसका नाम है गूगल फाइंड माई डिवाइस। इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने फ़ोन की लोकेशन चेक कर सकते हो, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कोई मैसेज भी सेंड कर सकते हो, कोई साउंड भी प्ले कर सकते हो और आप अपने फ़ोन का सारा डेटा भी डिलीट करना चाहें तो वो भी इस एप्लीकेशन की सहायता से आप कर सकते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस एप्लीकेशन का यूज करने का पूरा तरीका बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल वाला बटन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपको अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है और इस एप्लीकेशन को सर्च करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस लिंक पर जाकर भी डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी जो आप अपने फोन में यूज कर रहे हो उससे आपको इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें अपनी जीमेल का पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद नीचे एक साइन इन का ऑप्शन दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके फ़ोन की लोकेशन शो होने लगेगी। यहाँ पर आप अपने फ़ोन का बैटरी परसेंटेज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन प्ले साउंड का है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप अपने फ़ोन पर कोई भी साउंड प्ले कर सकते हैं। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सिक्योर डिवाइस का है, इसकी हेल्प से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट ऑप्शन है, इसकी सहायता से आप अपने डिवाइस का सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं। सपोज मेरा यह फ़ोन कभी खो जाता है तो मुझे क्या करना है, मुझे किसी दूसरी डिवाइस से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सेम ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे आपके फ़ोन की लोकेशन यहाँ पे शो करने लगेगी कि आपके फ़ोन में कितनी बैटरी है, वह किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो करने लगेगी। इसके अगर हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं प्ले साउंड पे, तो हमारा जो दूसरे मोबाइल में है साउंड प्ले हो जाता है। अभी इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसके बाद मैं सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं अपने नंबर पर कोई भी मैसेज या अपना कोई अदर नंबर उसकी स्क्रीन पर शो करा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लीज़ रिटर्न माई मोबाइल, और नीचे मैं अपना यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे आपका जो मेन फ़ोन है वह लॉक हो जाएगा और आपने जो मैसेज सेंड किया है और जो नंबर आपने दिया है वह उसकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा और उसका जो फ़ोन है वह लॉक हो जाएगा। जैसे ही आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा उसमें कोई भी बटन काम नहीं करेगी, उसको कोई भी यूज नहीं कर पाएगा, सिर्फ आपने जो मैसेज भेजा है और आपका नंबर उसकी स्क्रीन पर शो करता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वह इरेज डिवाइस का है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इरेज डिवाइस का एक ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करके अपने फ़ोन का सारा डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन काफ़ी यूजफुल है, आप इसको ज़रूर डाउनलोड करके रखें ताकि इसकी सहायता से अगर आपका फ़ोन कभी चोरी हो जाता है या गिर जाता है तो आप उसकी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं, साथ ही आप उसको कोई मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने फ़ोन का डेटा डिलीट करना चाहें तो आप वो भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।